दोस्तों, आज की जो शुरुआत है हम लोग एक स्टोरी के साथ करेंगे। स्टोरी है दो दोस्तों की। जो दो दोस्त मतलब अभी अभी अपना एजुकेशन फिनिश करके खाली बैठे थे, जिनके पास कोई करने के लिए काम नहीं था, और फिर उन्होंने ऐसे ही एक दिन इश्तियार देखा अखबार में। इश्तियार था कुछ काम का, इश्तियार उन्होंने देखा। इंटरव्यू के लिए वो लोग गए। इंटरव्यू के लिए जाने के बाद उन लोगों को मतलब जो गांव का मुखिया था, गांव का जो जमींदार था, उन्होंने बोला कि आप लोगों को काम है। दूर कहीं एक चट्टान पे कहीं तालाब था, तो वो तालाब से बाल्टी भर के पानी आपको नीचे लाना है। ओके, और जैसे आप एक बाल्टी पानी नीचे लाओगे, पर बाल्टी आपको 5 रुपीस आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, हम लोगों के पास कोई भी काम नहीं है, हम दोनों कल से भिड़ जाते हैं काम करने के लिए, और हम हर रोज अपनी बाल्टियां वहां से मतलब बाल्टियां भर भर के पानी वहां से लाएंगे। तो उन्होंने काम स्टार्ट किया डेली, मतलब वो 3 4 5 बाल्टियों तक पानी वहां से लाते थे, और जैसे पानी लाया रजिस्टर में वो एंट्री कर देते थे। तो उनको जैसे ही एंड ऑफ द डे उन्होंने जितनी बाल्टियां लाई है, उस हिसाब से उनको पेमेंट उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता था। तो ऐसे ही चलता रहा, दिन ब दिन बीतते गए। दोनों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू स्टार्ट हो गया। जैसे पैसा उनके पास आया, तो मतलब एक दोस्त था जो मतलब राम, और दूसरा था श्याम। तो श्याम ने राम को बोला कि भाई एक अभी दिक्कत मुझे है। तो बोला, यार दिक्कत कैसी है, अभी तो हम लोग काफी पैसा कमा रहे हैं, सारी चीजें बराबर है, कोई प्रॉब्लम जिंदगी में अभी नहीं रहा है। तो उसने बोला, तभी भी मुझे एक प्रॉब्लम लग रहा है कि जैसे अभी हम लोग यदि कभी बीमार हो, जिंदगी है आज है कल नहीं, फिर फैमिली हम लोगों की जो है, जब मतलब जितना हम लोग काम करेंगे उसी हिसाब से हम लोगों को रिवार्ड मिलेगा, जब हम काम करना बंद कर देंगे तब क्या होगा हम लोगों का, या जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनका क्या होगा। तो वो दोस्त बोला, भाई देख, अपन दोनों दोस्त है, आज हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, कल क्या होगा मैं ज्यादा नहीं सोचना चाहता हूँ। तभी भी शाम उसको फोर्स करता है कि यार नहीं, मतलब मेरा दिमाग ऐसे बोल रहा है कि हम लोग क्यों ना मतलब वहां से पाइपलाइन नीचे लाया जाए, और पाइपलाइन से मतलब जो पाइप से पानी आएगा तो वो हिसाब से हम लोग चार्ज वहां पे करेंगे। तो उसने बोला, राम ने बोला, नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, क्योंकि तू आज को बिगाड़ रहा है कल के चक्कर में, और आज यदि बिगड़ गया तो फिर हालात काफी बिगड़ सकते हैं। तो अपन दोस्त है भाई, हम लोग दोस्त रहेंगे, बाकी मुझे तू जो भी करने वाला है वो मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया, दोनों अपने अपने घर चले गए। कल से शाम ने क्या किया कि मतलब जो वो दिन के 4 5 बाल्टी लाता था, तो उसने जो वो काम को मतलब 25% मतलब जितने उसके डेली नीड्स पूरे हो सकते थे उतना काम, उतनी बाल्टियां, 1 या 2 बाल्टी उसने लाना स्टार्ट कर दी। बाकी का जो रिमेनिंग टाइम था वो रिमेनिंग टाइम पाइपलाइन के प्लानिंग में, कि वो दूर से जो तालाब है उससे पानी कैसे लाया जाए, उसकी प्लानिंग उसने करनी स्टार्ट कर दी। वैसे ही फिर प्लानिंग, और फिर सारी चीजें करते करते ऐसे ही महीने बीतते गए, महीने से साल बीतते गए। और जो मतलब कि राम था, राम के हालत में काफी सुधार हुआ, क्योंकि डेली वो बाल्टी बाल्टी भर भर के पानी लाता था, और मतलब उसकी उसकी शादी हो गए, उसकी फैमिली हो गई, उसको बच्चे हो गए, घर में गाड़ी आ गई, बड़ा घर हो गया, सारी चीजें उसकी फुलफिल हो गई। और जो शाम था वो बेचारा मतलब जैसे कैसे तो भी जिंदगी उसकी कट रही थी। तो ऐसे धीरे धीरे 5 साल का समय बीतता गया, और फिर इसकी पाइपलाइन बन के तैयार हो गई। फिर जैसे पाइपलाइन बन के तैयार हो गई, तो जितना राम ने 5 सालों में कमाया इसने 3 महीने में कमाया। लेकिन ये जब सोता भी था तो पैसे कमाता था, मतलब उसने जो पाइपलाइन है लोगों को पाइपलाइन भर के पाइपलाइन से वो जो वाटर प्रोवाइड करता था, तो वो वाटर वो प्रोवाइड करते गया। तो वो छुट्टियां मनाने जाए, फैमिली के साथ कहीं घूमने जाए, तभी भी वो पैसे कमाना था। तो उस मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हम लोगों में से जो 95% पीपल है, दे आर बकेट कैरियर, क्योंकि वो जो सर्टन काम है, सर्टन वर्क है, सर्टन जॉब है, उतना वो कर लेते हैं, उनकी एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, दे आर हैप्पी विद दैट। एंड ओनली द 5% पीपल, दे आर क्रिएटिंग द पाइपलाइन, दे आर मेकिंग द लाइफ ऑफ देयर जनरेशन, राइट? तो वो काम हम लोगों को करना है, वो काम हम लोग प्रॉपर मेंटरशिप से, प्रॉपर ट्रेडिंग
से डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। एंड बिलीव मी, हम लोग आपके नेक के ऊपर का एक्सरसाइज, नेक के ऊपर आपकी माइंड की फीडिंग हम लोग इन द वे ऑफ ट्रेडिंग करते हैं, राइट? तो मतलब जैसे आप मार्केट में आते हो, कुछ लोग पैसे पहले इन्वेस्ट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, किसी की टिप्स सुनते हो, कोई रिलेटिव है वो जो आइडिया देता है उस आइडिया के साथ आप काम करते हो, लेकिन प्रॉपर मेंटरशिप आप नहीं लेते हो, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आगे नहीं जाते हो। इतना मतलब यहाँ पे एक चीज है, कोई चीजों की लिमिट नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिल सकता है, तभी भी यू आर नॉट रेडी टू बी स्पेसिफिक इन क्रिएटिंग यूअर ट्रेडिंग जर्नी। वही आप एक ट्रेन का जर्नी करना चाहो तो आपको पता होता है कि मैं ये दिन मतलब ये ट्रेन पकड़ूंगा, ये टाइम पे ये स्टेशन से ट्रेन रहेगी, मैं उसमें बिजनेस क्लास में जाऊंगा, 2 tiers में जाऊंगा, 3 tiers में जाऊंगा, मैं स्लीपर में जाऊंगा, वो आपका फिक्स रहता है। मेरा फैमिली यहाँ होगी, ऐसे होगी, हम लोग ये खाएंगे, वो करेंगे, वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, सारी चीज आपकी स्पेसिफिक रहती है। बट इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग जर्नी है वो कैसे होना चाहिए, वो कैसे आपका मतलब एक प्रोसेस होना चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना है, वो सारी चीजों के ऊपर आप इतना फोकस नहीं देते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले ये चीजों के ऊपर फोकस दीजिए, तब जाके मार्केट से डेफिनेटली आप आउटकम मतलब कमा पाओगे, मार्केट से पैसा भी बनेगा, लेकिन चीजें सिस्टमैटिक वे से हो सकती है। तो एक अनाउंसमेंट है, वी आर स्टार्टिंग अवर मोस्ट बिलोड कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम फ्रॉम 12th of July, और मतलब उसके रजिस्ट्रेशन, उसके साइकोलॉजी सेशंस कंडक्ट करना स्टार्ट हो चुका है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक सिस्टमैटिक वे ऑफ नॉलेज से, तो डेफिनेटली नीचे लिंक दी गई है, हमारे वेबसाइट की भी लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक है, हमारे नंबर्स भी दिए गए हैं, तो इन नंबर्स पे आप अपना मतलब आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने आप को इन प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं, अभी जिस मतलब हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक की ओर हम लोग अभी बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडिया ने जो बॉयकॉट चाइना का जो स्लोगन है उसके हिसाब से चाइना के ऊपर डिजिटली बैन करना लास्ट वीक से स्टार्ट किया है। मोदी गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप जैसे कि मतलब टिकटॉक, शेयरइट, वीचैट, हेलो, लाइकी, यूसी न्यूज, सो अगेन यूसी ब्राउजर, राइट, ईएल फाइल एक्सप्लोरर, यमाई कम्युनिटी, सो इन एप्स को मतलब कि बायकॉट किया है, उनको बैन किया है अक्रॉस द गूगल एंड्रॉयड इकोसिस्टम और एप्पल आईफोन से भी, एज वेल एज आईपैड प्लेटफॉर्म से भी इनको इंडिया के अंदर बैन किया है। उन्होंने रीजन बताया है अबाउट द कंसर्न्स ऑफ सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड डिफेंस ऑफ इंडिया। इस कंसर्न के चलते उन्होंने 59 एप्स बैन किए हैं। पीछे टिकटॉक बैन था, तब अराउंड डेली उनका सम अमाउंट ऑफ करोड़ डेली उनका मतलब उनको जो है लॉस बेयर करना पड़ रहा था, तो अभी ये बड़ा लॉस इन चाइनीज कंपनियों को होने वाला है। सो अभी आगे क्या होता है वो देखना हम लोगों के लिए अहम है। गवर्नमेंट क्या रोल इनके लिए लेती है, क्या इनके ऊपर मतलब ड्यूटीज लगाती है, कैसे इनको वर्क करने देती है, नहीं करने देती है, ये देखना हमारे लिए अहम होगा। लेकिन जो भी हुआ है नेशन के हिसाब से ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से गवर्नमेंट ने बैन की है। इंडिया में फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर फुल एक्शन मोड में दिख रहा है। जैसे भारतीय एंटरप्राइज है वो बिड लगाने की कोशिश कर रही है विथ सैटेलाइट ऑपरेटर, मतलब जो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, लंदन बेस्ड कंपनी है, तो मतलब उसका नाम है वन वेब सॉल्यूशन, वन वेब, तो वन वेब को मतलब बिड करना चाहता है भारतीय एंटरप्राइजेस, उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब उनकी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनका मतलब उसके बिडिंग के रिगार्डिंग चल रहा है मतलब डिस्कशन। और जो वन वेब कंपनी है उसका मिशन था कि 650 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना और उनकी हिसाब से वन वर्ल्ड इंटरनेट का एस्टेब्लिशमेंट करना। लेकिन उनका कैसे हुआ है कि स्टार्टिंग से ही उनको फंडिंग के काफी इशू आए और अभी मतलब उनकी जो बिगेस्ट इन्वेस्टर था सॉफ्ट बैंक ग्रुप, तो उन्होंने भी उनको फंडिंग करना स्टॉप कर दिया है। सो ये वन वेब कंपनी जो है अभी बैंकरप्ट हुई है। अभी देखना अहम होगा इंडियन कंपनी उसको एक्वायर करने में मतलब सक्सेस होती है क्या, क्योंकि सबसे पहला नाम भारती एंटरप्राइजेस का ही सामने
आ रहा है। अदर कंपनीज आर ऑल्सो मतलब उसके लिए इंटरेस्टेड, बट इनका नाम सबसे आगे फिलहाल चल रहा है। अगेन मैं बात करूं कि अपने जियो की, तो जियो की अभी 12th डील हुई है इन 11 वीक्स। जो इंटेल है मतलब सेमीकंडक्टर जायंट, तो उन्होंने अराउंड मतलब कि 1894 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट उन्होंने जियो के अंदर मतलब परचेस किया है, राइट। तो उस हिसाब से उनको 0.39% का स्टेक जियो के अंदर मिला है। सो एक हिस्टोरिक डील, 12th डील इन 11 वीक जियो की तरफ से, रिलायंस जियो की तरफ से होते हुए दिख रहे हैं। अभी उन्होंने इन इन्वेस्टमेंट के साथ अराउंड 1,70,588 करोड़ रुपीज का फंड ग्रैब किया है मार्केट से। अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगेन गवर्नमेंट ने अभी 30,000 करोड़ रुपीज की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की है फॉर द मतलब कि नॉन बैंक लेंडर्स। तो ये क्या है, तो इन्होंने मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है विद एसबीआई कैप के साथ। तो उसे बोला गया स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी सेटअप किया है, और मतलब उसके चलते ये एसपीवी क्या करेगा, ये परचेस करेगा शॉर्ट टर्म पेपर्स किनके, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, तो उनके पास वो पेपर परचेस करके उनको मतलब एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की कोशिश इन्होंने की है कि वो अपनी जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज है उनको अच्छी तरीके से फुलफिल कर सके। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट, बहुत बढ़िया लॉन्चिंग इस लिक्विडिटी स्कीम की, जो मार्केट को भी आगे चल के अच्छा बूस्ट देने में हेल्प कर सकता है। शॉर्ट ऑफ पीरियड के लिए तो डेफिनेटली करने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। इस हफ्ते में तीन बड़ी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए हैं, टाटा स्टील, एमआरएफ, रेमंड। तो टाटा स्टील के भी जो नतीजे हैं मतलब इन मार्च ऑफ 2020, तो उनका जो मतलब नेट सेल है वो डाउन हुआ है 20.4% से। पहले था वो 42,423 करोड़ रुपीज, अब हुआ है 33,769 करोड़ रुपीज का। अगेन एमआरएफ के भी जो नेट सेल है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है 11% की। पहले था 4,073 करोड़ रुपीज, अब हुआ है 3,625 करोड़ रुपीज का। अगेन हम लोग रेमंड को भी देखे तो उसके सेल में मतलब 29.31% की गिरावट देखने को मिली है। पहले था 1,808 करोड़ रुपीज मार्च 2019 से, और अभी जो मतलब कि हुआ है 1,278 करोड़ रुपीज। यदि दोस्तों एफआईएस और डीआईएस के मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी को यदि देखा जाए, तो अभी मतलब जो है यदि मंथली को कंपेयर करें तो एफआईएस अभी थोड़े से हल्के से सेलिंग में आते हुए दिख रहे हैं। 1,395 करोड़ रुपीज का सेलिंग फिलहाल एफआईएस की तरफ से दिखा है। मतलब लास्ट दो वीक में, लास्ट दो मंथ्स में उनकी बाइंग दिखी थी, अच्छी बाइंग दिखी थी आफ्टर सेल, बिग सेल ऑफ। और अभी यदि बात करें हम लोग डीआई की, तो डीआई अभी भी मतलब अपना बाइंग पोजीशन मार्केट में बरकरार रखते हुए 1,953 करोड़ रुपीज के बाइंग के साथ डीआईएस मार्केट को मतलब लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द बाइंग। तो दोस्तों अभी चार्ट पे हम लोग आते हैं। चार्ट पे हम लोगों का मतलब यूटिलाइजेशन अगले हफ्ते कैसे रहना चाहिए, अगले वीक में हमने कैसे एक्शन परफॉर्म करने चाहिए। तो सिंपली आप यदि यहाँ पे देखोगे तो अभी डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि हायर लो ही पैटर्न फिलहाल निफ्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस के ऊपर, वो डेली रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यदि यहाँ से उसको एक अपवर्ड स्पाइक इसके अंदर आता है तो जो आपको ये गैप फिल करने तक लेके जा सकता है, जहाँ पे मतलब यदि ये जोन वो फिल करता है तो अराउंड आपको मतलब निफ्टी के अंदर एक 10,830 से लेके 10,950 तक के लेवल अपवर्ड डायरेक्शन में आपको यहाँ पे निफ्टी के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं,
राइट, तो अभी ऑन चार्ट्स आपको कैसे एक्शन परफॉर्म करना है, चार्ट्स पे आपको कौन से जोन्स पे फोकस करना है, इनको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर फ्लो, ये जो दो जोन्स है ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहे हैं निफ्टी में। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज है, दो टाइप के सेटअप्स आपको मिल सकते हैं। अभी ये जोन यदि अपवर्ड डायरेक्शन में कन्विंसिंगली विथ कन्विंसिंग कैंडल यदि ब्रेक होता है, या इतना अपवर्ड मूव होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड यदि फास्टर इसके अंदर आता हुआ यदि आपको दिखता है और ये जोन के ऊपर अच्छी तरीके से एक मतलब कन्विंसिंग कैंडल से ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन मतलब रहने की कोशिश वो करेगा, और उसके बाद यदि वो नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आएगा और फिर एक से एक बार आपको यहाँ से रिवर्सल यदि देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली आप बाइंग के लिए जा सकते हो। 10,800-10,850 तक के भी टारगेट, 200 पॉइंट के अपवर्ड टारगेट्स आपको उसमें उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, राइट। लेकिन यदि ये जोन में वो सस्टेन रहा और डाउनवर्ड साइड कोई कन्विंसिंग ब्रेक यदि उसने दे दिया तो, और ऊपर आने के बाद फिर से कोई रिवर्सल यहाँ पे दिखा, तो आप डेफिनेटली सेलिंग के लिए जा सकते हो। ये गैप फिलिंग तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, वो गैप फिल कर सकता है, राइट। और सेम तरीके से यदि मतलब वो ये नीचे वाले यदि जोन में आता है, तो ये जोन में आने के बाद सस्टेन करके कोई रिवर्सल आपको दिखाता है, तो जाके उसके बाद हम आप मतलब बाइंग के लिए सोच सकते हो। और ये जोन तक का आपका टारगेट रहेगा, ये जोन के नीचे क्लोजिंग आप स्टॉप लॉस अपना रख सकते हो। और यदि एक बार नीचे आने के बाद ये जोन यदि ब्रेक कर देगा विद कन्विंसिंग कैंडल, वो ब्रेक करेगा और फिर से यदि रिट्रेसमेंट को आएगा, तो आप यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हो। आपको टारगेट्स ये सपोर्ट तक के मतलब जो 10,250 तक के टारगेट्स आपको उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इन जोन्स को फोकस कीजिए, सिंपली वहां पे प्राइस एक्शन हम लोगों को देखना है। जिस हिसाब से भी प्राइस एक्शन हम लोगों को वहां एक्शन लेने के लिए बोलेगा, वही हिसाब से हम लोगों को भी अपना एक्शन वहां पे लेना है। पिछले हफ्ते मैंने ये वाला जोन बोला था, आप देख सकते हो ब्रेक किया, यहाँ से रिवर्सल आया और अच्छा टारगेट, मतलब नहीं कुछ तो अराउंड 80-90 पॉइंट्स का टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में निफ्टी के अंदर भी अच्छी तरीके से देखने को मिला है, राइट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी की ओर अपना रुख करते हैं। ये बैंक निफ्टी का दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर बैंक निफ्टी देखोगे तो ये एकदम मतलब कि एक रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी आपको लॉक यहाँ पे दिखेगा। और अभी जब तक ये वाला जोन वो ब्रेक नहीं करता है, तब तक कोई अपवर्ड डायरेक्शन उसके अंदर आने की प्रोबेबिलिटी फिलहाल नहीं है। एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो हायर लो ही पैटर्न डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब वो यदि ब्रेक करेगा तो एक 25,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऊपर EMA 200 है, फिर उसके बाद हम लोगों को EMA 200 एज अ रेजिस्टेंस ले सकता है, और उसके बाद वो गैप फिल करने के लिए भी यदि वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो 26,600 से 27,000 तक भी वो जा सकता है। अब बैंक निफ्टी के एक्चुअल अगले हफ्ते में कौन से जोन्स को आपको फोकस करना है, तो ये जो दो जोन्स है ये काफी मतलब फिलहाल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। यहां से ही बैंक निफ्टी को अगला डायरेक्शन मिल सकता है। ये जोन में यदि आता है, ये जोन में आने के बाद कंसोलिडेट करके आपको रिवर्सल मिलता है, रिवर्सल स्ट्रांग रहता है, तो आप डेफिनेटली सेलिंग के लिए जा सकते हैं। ये जोन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस आप अपना स्टॉप लॉस अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे ये ऊपरी स्तरों पे गया और ऊपरी स्तरों पे उसने क्लोजिंग दे दी और क्लोजिंग के बाद एक मतलब रिट्रेसमेंट दे के कोई रिवर्सल आपको मिलता है, तो डेफिनेटली आप बाइंग के लिए वहां पे जा सकते हो, राइट। जोन के नीचे क्लोजिंग बेसिस आप अपना स्टॉप लॉस अपडेट कर सकते हो। और यदि वो मतलब अभी ये बड़ा रैली किया है, बड़ा रैली के बाद यदि इतना फुल यदि वो रिट्रेस होगा, तो अपना ट्रेंड वो वहां पे खत्म करने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन तभी भी रिट्रेसमेंट के बाद कोई रिवर्सल साइन आपको मिलता है, तो बाइंग के लिए जा सकते हो। जोन के नीचे क्लोजिंग बेसिस आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और इस जोन को भी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन अच्छा क्लोजिंग आता है, अच्छा क्लोजिंग आने के बाद एक रिट्रेसमेंट और रिट्रेसमेंट के बाद कोई रिवर्सल, तो एक और सेलिंग की पोजिशन आप वहां पे बना सकते हो। जोन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस आप अपना स्टॉप लॉस वहां पे अपडेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने बोलने की कोशिश की है, ओवरऑल जो भी आपको यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको पसंद आ रहा है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे कंटिन्यूअस नॉलेज फ्लो आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम।
हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ऑलवेज. थैंक यू.